तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या चल रहा है, ये देखिए ऐसे कुकिंग हो रही है इनकी सेल्फ में बैठ के। और ये है साक्षी, साक्षी आज हमारे लिए कुछ स्पेशल सा बना रही है क्या। और बाहर हो रही है झमाझम बारिश। हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए जी, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है शाम से, और आज आपके साथ बहुत ही बढ़िया सा एक नाश्ता शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप ना आजकल जैसे कि सावन के महीने चल रहे हैं तो बिना लहसुन प्याज जो नहीं खाते हैं ना इस महीने में, वो भी इसको आराम से ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, और आजकल जैसे कि बारिश का मौसम है तो शाम के टाइम पे आप भी इसको बना सकते हैं। इंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ, और कोई भी आपके घर पर आए तो उसको भी आराम से खिलाइए, बड़ा मतलब आपकी तारीफ वो ज़रूर करेंगे। तो चलिए जी, यहाँ पर ना तेल डाला है कढ़ाई में थोड़ा सा, उसमें जीरा के कुछ दाने डाले हैं, साथ में ना तिल के दाने भी डाले हैं, साथ में दो तीन हरी मिर्ची काट के डाल दी है। उसके बाद जो है ना, हमने 1.5 कटोरी के करीब इसमें सूजी ऐड करी है, और सूजी को भूनना नहीं है, बस थोड़ा सा सेकना है। उसके बाद उसमें पानी डाल देना है, पानी इतना कि सूजी आपकी आराम से उसमें डूब जाए। इसके बाद ही जैसे पानी आपका सोख हो जाता है ना, तो इसमें आपने हमने जो है 2 कच्चे आलू कद्दूकस करके रखे हुए थे तो पानी में, तो बस वो जो ग्रेट करे हुए आलू हैं वो इसमें ऐड कर दिए हैं, और साथ में हमने इसमें स्वाद के अनुसार नमक भी ऐड कर दिया है। आप इसमें चाट मसाला, मिर्ची, काली मिर्च का पाउडर सब कुछ डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो बस इसके बाद ही जो है, जब इसमें पानी इतना ऐड करना है कि सूजी अपना आराम से इसमें डूब जाए ना, तो फिर कुछ देर बाद जब आप पकाते पकाते सूजी जो है फूल जाती है और पानी जो है पूरा सूख जाता है, तो इसको तब तक पकाना है जब तक पानी आपका आराम से सूख ना जाए। इसके बाद ही इसको ठंडा होने दीजिए, और ठंडा होने के बाद जो है इसको कि गोल गोल हमने लोइयां बनानी है। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, चकोर, ट्राइंगल, जो आपको पसंद हो वो। तो यहाँ पर बच्चे तो गोल गोल जैसे रोटी के लिए करते हैं ना वैसे, और उसको हाथ में थोड़ा सा फैला के और बीच में एक होल कर दे रहे हैं, तो जैसे कि बड़े बनते हैं ना वैसे ही सेम। तो यहाँ पे देखिए, अब हम इसको जो है फटाफट से तल लेंगे। तो जब तक हमने ये सूजी बड़े बना के तैयार किए, तब तक जो है बच्चों के पापा भी अपने ड्यूटी से आ चुके थे, तो हमने उस हिसाब से जो है बनाना शुरू किया था ताकि गर्मा गर्म जो है वो आके खा सके। बाहर हो रही है बहुत मोटी बारिश और अंदर बन रहे हैं सूजी बड़े एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी, बड़ा मज़ा आ गया। ज़्यादा क्रिस्पी है ना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। देखिए थैंक यू साक्षी इतना अच्छा नाश्ता कराने के लिए, और बाहर बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है और अंदर गर्मा गर्म बड़े। ट्राई कीजिए, बनाने में भी इजी है और सामान भी ज़्यादा नहीं चाहिए और फटाफट से बन जाता है। ये देखिए एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी। तो चलिए जी, बढ़िया सा नाश्ता करने के बाद मैंने बर्तन धोए हैं। अभी टाइम हो रहा है 7:45 बजे और आ गई हूँ बाथरूम में, क्योंकि यहाँ पे मुझे करना है एक ज़रूरी काम। तो आज जो है ना पूरी बरसात में आज फर्स्ट टाइम हस्बैंड जो है बाइक से गए थे ड्यूटी, और ड्यूटी से आते ही जो है आज उनको बारिश लग गई, मतलब भीगते भीगते आए हैं। तो बस उनके जो कपड़े हैं, सॉक्स, रुमाल और टी शर्ट, पैंट वगैरह जितने भी उन्होंने पहने थे, सारे कपड़े जो है उन्होंने आके उतारे हैं, नहाए हैं। इसके बाद ही ना वैसु भी जो है आज बारिश अच्छी खासी हुई है शाम के टाइम पर, तो वो भी बारिश में नहाई है, तो उसके भी एक जोड़ी कपड़े हैं। तो यहाँ पर इन कपड़ों को मैं धो लूँगी हाथ के हाथ, क्योंकि ऐसी छोड़ दूँगी ना सुबह तक के लिए तो इनमें स्मेल भी आ जाएगी। तो बस यहाँ पे फटाफट से धो लेती हूँ कपड़ों को। तो एक कमेंट आया था यहाँ पे मुझे पिछले वीडियो में, तो उन्होंने बोला था कि आप इतनी एनर्जी से अपने घर के कामों को करती हैं, खुश होके करती हैं, तो क्या ये सिर्फ वीडियो में ही, वीडियो के लिए ही होता है, या फिर रियल में आप खुश और एनर्जी से अपने घर के कामों को करती हैं? तो चलिए जी, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर देती हूँ। तो देखिए, मुझे यूट्यूब पे आए हुए सिर्फ अभी 2-2.5 साल ही हुए हैं, और इससे पहले से मैं सालों सालों से अपनी घर गृहस्थी को संभालते आ रही हूँ, अपने घर के कामों को करते आ रही हूँ। तो
जो है हम कुछ भी करते हैं ना यहाँ पे, तो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं करती हूँ मैं, मतलब जो मैं करती हूँ वो मैं वीडियो में दिखाती हूँ, क्योंकि ये मेरी रियल लाइफ है, रियल लाइफ नहीं है कि मुझे सिर्फ जो है एक दिन एक्टिंग करनी है यहाँ पे और फिर उसके बाद ही जो है आप अपने घर और मैं अपने घर, ऐसा नहीं है। सेलेक्ट हो गया आप? तो अब कब है? कल कल जाना है स्कूल में या कहीं और? कहीं और है। कौन किस स्कूल में? तो जब तक मैं कपड़े डाल के आई तो वैसे भी आ गई थी अपने बास्केटबॉल एकेडमी से, तो ये डेली जाती है शाम के टाइम पे, और कल ना इनका मैच है नेहरू स्टेडियम में तो दूसरे बच्चों के साथ, तो देखते हैं क्या होता है। तो बस उसी की तैयारी चल रही है आजकल इनकी। इसके बाद ही मैं नेक्स्ट मॉर्निंग मिल रही हूँ आपको। यहाँ पे मैंने सारे काम कंप्लीट करके जो है अपना अंदर मंदिर में पूजा करके, और अब जो है तुलसा जी को जल चढ़ाने और सूर्य भगवान को जल चढ़ाने आई हूँ। तो चलिए जी, नीचे आने के बाद अब मैं बनाऊंगी अपने लिए बढ़िया सी चाय, और अभी 10 बज रहे हैं ना, तो 10 बजे तक मेरे सारे काम लगभग ख़त्म हो चुके हैं। तो बस अब दूध से पहले मलाई निकालूंगी और इसी पतीले में अपने लिए बनाऊंगी चाय। तो चलिए दोस्तों, जो पीछे मैंने रिप्लाई कमेंट का रिप्लाई कर रही थी वो मैंने आधा छोड़ दिया था, क्योंकि वीडियो के साथ भी चलना ज़रूरी होता है ना, तो बस यहाँ पे रिप्लाई कर देते हैं उसका आगे कंटिन्यू। तो देखिए, किसी भी काम को ना हम एनर्जी के साथ या फिर खुश होके तभी कर सकते हैं जब उस काम को करने में हमारा इंटरेस्ट होता है, या फिर जो है मन से हमें उस काम के लिए लगन होती है ना, और हम अपना समझ के जो है उस काम को करते हैं। तो यहाँ पे मैं घर के काम की ही बात नहीं कर रही, बल्कि हर फील्ड में, जैसे कि या बच्चे पढ़ाई करते हैं तो बच्चे तभी अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं खुश होकर जब उनका इंटरेस्ट होता है पढ़ाई में, या फिर खेल कूद में होते हैं बच्चे तो तभी वो अच्छे से खेल कूद कर पाते हैं जब उनका इंटरेस्ट होता है, मतलब किसी भी फील्ड में। या हमारे हस्बैंड लोग जैसे ड्यूटी वगैरह जाते हैं तो वो अपने ड्यूटी पर अच्छे से काम तभी कर पाएंगे जब उनकी मनपसंद का काम होगा, या फिर वो खुश तभी रह पाएंगे। तो इस तरीके से ना, खुश रहने के लिए जो है आपको उस काम में मन से आपका लगाव होना चाहिए। तो हम हाउसवाइफ का भी ऐसे ही है, देखिए हर हाउसवाइफ अपने घर में काम करती है, तो काम तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ हाउसवाइफ ऐसे होते हैं जो काम को काम तो करते हैं लेकिन काम को झंझट या बोझ समझ के करते हैं, तो फिर वो ना अंदर से मतलब खुश नहीं, मतलब उस काम को करने में उनको खुशी नहीं मिलती है, और फिर वो खुश होके या फिर वहीं पर जो है उनकी एनर्जी भी डाउन हो जाती है, क्योंकि हमारे जो काम होते हैं ना और हमारी जो मन की खुशी होती है ना अपने कामों को करने में, वही हमें मोटिवेट करती है, तब जाके जो है एनर्जी आती है। तो वही है, मैं अपने घर के कामों को बोझ या झंझट समझ के नहीं करती हूँ, मतलब उनको इंजॉय करती हूँ, और बड़ा अच्छा लगता है मुझे अपने घर को साफ करना, अपने घर के एक एक काम को अच्छे से सलीके से करना, तभी जाके जो है मुझे अंदर से सुकून मिलता है और मेरा मन खुश होता है। जब मन खुश होता है ना, तो उस काम को करने में अपने आप ही एक अलग ही एनर्जी का एहसास मुझे होता है, और एनर्जी के साथ में सारे कामों को करती हूँ। तो मुझे लगता है आपको रिप्लाई मिल गया होगा, क्योंकि मैं हर रोज़ ही अपने घर के कामों को अच्छे से करती हूँ, एनर्जी के साथ करती हूँ, और तभी जो है मैं अपने घर का मतलब खुश रह पाती हूँ। तो अपने घर के कामों को करने में मुझे मिलती है खुशी और एनर्जी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्लास हो गई? हाँ, ये हो गई फिर से। कितने बजे? तो साक्षी आज यही है, आज भी यही रहेगी? नहीं, आज जाऊंगी। हम जाने ही नहीं देंगे। ये ले जाते हो, उठा के कहते हो, उठा के तुझे ले जाते।
तो चलिए दोस्तों यहाँ पे कर लेती हूँ मैं नाश्ता। बच्चे तो पहले ही नाश्ता कर चुके हैं, बस मैंने अपना पूजा वगैरह करने के बाद ही नाश्ता करती हूँ मैं डेली। तो बस इसके बाद ना दो चार बर्तन हुए हैं, क्योंकि जो सुबह के नाश्ते के बर्तन हुए हैं ना बच्चों तक के, तो वो तो मैंने पहले ही धो दिए थे। ये परात और चकला बेलन सब कुछ, तवा वगैरह सब कुछ पहले ही मैं धो के चली गई थी नहाने के लिए। तो बस अभी जो है थोड़े से बर्तन, जैसे दूध का पतीला है और जो एक प्लेट मेरी है नाश्ते की, तो बस यही है। तो बस उनको धो लूँगी मैं हाथ के हाथ फटाफट से। और वैसु गई है अपना मैच खेलने के लिए, तो बास्केटबॉल का मैच है आज उसका, तो वो सुबह ही चली गई थी अपने पापा के साथ। 7:45 बजे के टाइम पे ये घर से निकल गए थे नाश्ता करके, तो वहीं से उसको छोड़ते हुए वो अपना ड्यूटी चले गए थे। और कल इनको बड़ा गुस्सा आ रहा था, कह रहे थे कि आज मैं बाइक से गया तो आज ही जो है बारिश हुई है, क्योंकि जैसे छुट्टी हुई ना शाम को तो वैसे ही जो है बारिश शुरू हो गई थी, तो पूरा ये भीगते भीगते आए। फिर उन्होंने रास्ते से मुझे फ़ोन भी किया था कल शाम को कि मैं मैंने किया था इनको फ़ोन कि मैंने कहा कितनी देर में आओगे, अभी ऑफिस से निकल गए हो यानी। हाँ दोस्तों मुझे कमेंट्स याद आ गया, आप बोलते हो कि आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है कि मैं आपके इस कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन प्लीज़ सॉरी, अभी जो है ना इस कमेंट का रिप्लाई करने की मुझे बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। आप मेरे बारे में पूछ सकते हैं लेकिन थोड़ा सा इनके बारे में। तो ये कहते हैं कि आप जो है अपनी वीडियो को अपने तक ही सीमित रखो, तो जब भी ये परमिशन देंगे ना तो सबसे पहले मैं आपको इसी कमेंट का रिप्लाई करूँगी कि क्या जॉब करते हैं। फिलहाल इतना बता दूँ प्राइवेट जॉब है, और इतना ठीक ठाक कमा लेते हैं कि अपना जो रोजी रोटी है वो अच्छे से हमारी चल जाती है, और भगवान की कृपा है। तो चलिए जी, तो चलिए यहाँ पे मैंने बातों बातों में अच्छे से यहाँ पे सिंक को भी मल लिया है साबुन से, और उसको अच्छे से साफ करके वाइपर से यहाँ पे जितना भी पानी होता है ना सेल्फ में आ जाता है तो उसको भी साफ कर लिया है, और अब मैंने कपड़े से इसको सुखा लिया है। धूप आ गई दोस्तों अच्छी खासी, तो अभी तो बादल छा रहे थे लेकिन अभी ना धूप आ गई है, तो मेरे कुछ चादर वगैरह हैं धोने के लिए, उनको लगाती हूँ फटाफट से मशीन में। अभी ना साफ हो चुका है यहाँ पे सब्जी वाला, ये देखिए फ्रेंड्स हर रोज ना एक फूल खिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, देखिए नजर ना लगे। तो टमाटर लेके आ रही हूँ अभी, और यहाँ पे 80 रुपये किलो टमाटर दिए उसने, तो कहीं कहीं पे तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। अभी थोड़ा सा सिर्फ कुछ दिन पहले 120 रुपये किलो यहाँ पे हो रखे थे, तो मैंने 1 किलो ले लिए, थोड़े से मैंने कहा सस्ते हो रखे हैं तो चलो ले लेते हैं। और आजकल ना बरसात में टमाटरों की हालत ही बहुत ख़राब हो रही है, और देखिए पसीना देख सकते हैं आप कितना पसीना हो गया मुझे, मुँह धो दो। तो चलिए ये बरसात का मौसम है ना, इसमें गर्मी भी उतनी हो रही है और सब्ज़ी भी इतनी महंगी हो रही है, और साथ में टमाटर की तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। एक तो ये टमाटर अंदर से ख़राब भी निकल जाते हैं, बाहर से पता ही नहीं चलता, और ऊपर से इतने महंगे हो रहे हैं। तो आज थोड़े से सस्ते हो रखे हैं 80 रुपये किलो, तो बस मैंने ले लिए हैं नीचे जाके 1 किलो, हाथ के हाथ जो है इनको धो लूँगी 2-3 पानी में। और ये देखिए, तो टमाटर ना मैं छोटे छोटे साइज़ के ही लेती हूँ, क्योंकि आजकल टमाटर ज़्यादातर ख़राब ही निकल रहे हैं अंदर से पानी पानी ना, और बड़े वाले टमाटर में ज़्यादा चांस होते हैं। और अगर एक छोटा सा टमाटर ख़राब भी निकला तो छोटा ही निकलेगा, अगर एक बड़ा टमाटर ख़राब निकल गया तो कितना नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ एकदम मीडियम छोटे छोटे साइज़ के लूँ। तो अपने हाथों से छाँट के लेके आई हूँ टमाटर, तो सब्ज़ी तो हम खैर अपने हाथों से छाँट के ही लेते हैं। तो बस यहाँ पे टाइम भी 11 बजे का हो चुका है, तो बस दिन के खाने का भी लगभग टाइम होने ही वाला है, तो यहाँ पे दाल चढ़ा रही हूँ। आज बना रही हूँ मैं उड़द की दाल, जो कि मेरी फेवरेट है, तो मैंने निकाल ली है थोड़ी सी उड़द, और हल्के से ना मैंने इसमें जो काले भट्टे होते हैं ना वो भी मिक्स कर रखे हैं, क्योंकि मेरे पास वो बचे हुए थे तो मैंने इसी में मिक्स कर दिया। तो बस इसको थोड़ा सा मैं छाँट लूँगी, वैसे तो बाजार की दालें इतना ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा बहुत कहीं पर कुछ कंकड़ वगैरह रह जाता है तो उसको मैं निकाल लेती हूँ। इसके बाद ही जो है 2-3 पानी से धो के, और अब जो है मैं इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के इसको बॉयल करने छोड़। तो अभी अंदर मेरे छोटे मोटे काम हैं उनको करूँगी, और तब तक जो है ये दाल भी यहाँ पे आराम से बॉयल हो जाएगी, एकदम धीमी आंच पे रखती हूँ ना दाल, धीरे धीरे हो जाती है।
तो साथ में डाल रही हूँ मैं एक तेज पत्ता डाल रही हूँ, दो काली मिर्च डाली है मैंने, दो लौंग डाली है, क्योंकि इस वाली दाल में ना थोड़ा सा गरम मसाले का जो फ्लेवर होता है वो अच्छा लगता है, और बाद में नहीं डालती मैं, जब तड़का लगाती हूँ ना इसी समय डाल देती हूँ। उसके बाद ही दाल चढ़ा के आई हूँ, और अब जो है मुझे ये थोड़े से जो ओढ़ने वाले होते हैं ना हमारे चादर वगैरह वो भी वॉश करने हैं। तो आज अच्छी खासी धूप है तो मैं वेट ही कर रही थी कि कब अच्छी खासी धूप हो और मैं इनको धोऊँ। तो एक बेडशीट भी मैंने रखी हुई थी, मैंने कहा सब साथ में ही धोऊंगी जब धूप आएगी। तो आजकल वही है, थोड़ा सा मौसम को देख के ही कपड़े डालने पड़ते हैं सुखाने और धोने के लिए, क्योंकि बड़े बड़े कपड़े हैं ना, और ये ऐसे कपड़े हैं कि जो कि रात को हमें चाहिए ही चाहिए ओढ़ने के लिए। तो बस धूप अच्छी खासी आ रही है तो मैंने कहा चलो इनको लगा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मशीन पर लगा दूँगी फटाफट से, साथ में मैंने इसमें फेब्रिक वाला कंडीशनर भी डाल दिया ताकि खुशबू आए, रात को जब हम सोएंगे इनको ओढ़ के तो बड़ी अच्छी अच्छी खुशबू आती रहेगी। साथ में इसके ऊपर से जो पॉट वगैरह है सारा सामान मैं नीचे रख दूँगी, क्योंकि जब कपड़े स्पिन होते हैं तो बहुत तेज़ी से ये हिलती है मशीन, तो सारा सामान जो इसके ऊपर का होता है ना नीचे गिरा देती है। तो चलिए मैंने वहाँ पे वो चादर वगैरह लगा दी है मशीन पे, अब जाके थोड़ा सा आराम से बैठते हैं। तो इस तरीके से ना एक के बाद एक काम निकलते जाते हैं, एक टाइम की ड्यूटी शुरू होती है और दूसरे टाइम की ड्यूटी यहाँ पर शुरू हो जाती है। और चलिए मैं आपसे ना अपने लड्डू गोपाल से मिलाती हूँ, आप बड़े आज ना बड़े सुंदर लग रहे हैं, तो चलिए मिलवाती हूँ मैं आपको अपने लड्डू गोपाल से। उनके साथ मुझे टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता है। चलो आ गए हम मंदिर वाले रूम में। काहे काहे काहे, ये हमारे लड्डू गोपाल। चलो बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए कितने सोने सोने प्यारे प्यारे लग रहे हैं ना। स्माइल कर रहे हैं, देखो स्माइल कर रहे हैं, हेलो कर दो। ये देखिए स्माइल कर रहे हैं, राधे राधे सभी भक्तों को मेरा राधे राधे। देखिए स्माइल कर रहे हैं, प्यारी सी स्माइल आपको भी अगर दिख रही है तो फोकस फोकस फोकस। ये देखिए इनके आंख पे ना कैम लाइट चमक रही है, तो ये देखिए कितनी प्यारी सी स्माइल कर रहे हैं आप सबके लिए, तो राधे राधे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मुझे ना इनको अच्छे से तैयार करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन लगता है मुझे मेरा, और मेरा मन करता है कि बस ये ऐसे ही अपने आसन पे ऐसे विराजमान रहें और पूरे घर परिवार को की निगरानी देखते रहें, मतलब उनको और सबके कामकाज, कोई अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो गलत काम कर रहा है या गलत रास्ते पे चल रहा है ना, तो उसको खींच के पकड़ के वापस लाना। मैं इनसे यही कहती हूँ कि सबको सही रास्ते पे चलाना प्रभु। तो चलिए फ्रेंड्स इनको आराम करने देते हैं यहाँ पे। तो चलिए, वैसे तो हम कहते हैं कि हमारा मॉर्निंग का काम ख़त्म हो चुका है, लेकिन हमारे ना काम लगे रहते हैं, छोटे मोटे काम तो लगे ही रहते हैं दिन भर, करना चाहो तो बहुत काम होते हैं, ना करना चाहो तो कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे सुबह के टाइम पे जब ये आलमारी यूज़ होती है ना, हस्बैंड जब ड्यूटी जाते हैं तो जल्दीबाजी में सारे सामान निकालते हैं, अपने कपड़े हैंकी सॉक्स वगैरह, तो सारा कुछ यहाँ पे फैला देते हैं। तो बस उसको थोड़ा बहुत रोजी जो है मुझे समेटना, मतलब ठीक करना होता है, वरना फिर ना आलमारी बहुत ज़्यादा वैसी हो जाती है, बिखरी बिखरी सी। तो तीन तीन चार चार दिन में जैसे कपड़े ठीक करते रहो, अरेंज करते रहो ना, तो फिर आलमारी ना बहुत ज़्यादा मैसी नहीं होती है वो, मतलब ठीक होती रहती है। तो फिर इस तरीके से आपको ज़्यादा टाइम इसको लगाना नहीं पड़ता है। और वैसु का फ़ोन आ चुका है तो उसको लेने जाना है जहाँ वो मैच खेलने गई है, तो बस साक्षी और खुशी चले गए हैं स्कूटी में उसको लेने। और इसी के साथ मैं आज की वीडियो का एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, क्योंकि आप वीडियो को लाइक बहुत कम करते हैं। तो चलिए बाय बाय।